लखनादौन में पुलिस ने स्कूल में चोरी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने स्कूल के लिए खरीदे गए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया था और सामान को बेच भी दिया था। सिवनी के लखनादौन विकास खंड के प्राथमिक शाला मानकपुर सलैया एवं आसपास के स्कूलों से छात्रों के लिए खरीदे गए स्मार्ट टीवी, VCR, गैस सिलेंडर एवं दर्जनों बर्तन बीते दिनों अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए थे, जिसकी शिकायत स्कूल के शिक्षकों द्वारा थाना धूमा में कराई गई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप सभी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हेतु स्मार्ट टीवी खरीदे गए थे, जिसकी अनुमानित राशि 1 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। चोरी के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 लोगों में वे लोग हैं जिन्होंने सामान चोरी कर बेचा है और 4 आरोपी वे हैं जिन्होंने सामान खरीदा है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। मार्च के महीने में 4 चोरी के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिस रिपोर्ट शिक्षकों द्वारा दर्ज कराई गई थी कि ग्राम सिलोटा, ग्राम विजय पानी के चारों स्कूलों में रात्रि के समय ताला तोड़ करके टीवी, बर्तन, गैस, गिलास, थाली आदि सामग्री किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। इस चोरी की तलाश के दरमियान में कल दिनांक को ग्राम विजय पानी और सलैया में पता किया गया, जो सूचना मिली कि ग्राम सलैया के और विजय पानी के नरेंद्र उर्फ अमित एवं रामेश्वर पटेल और महेंद्र यादव तीनों ने मिलकर के चारों स्कूलों में चोरी की है। चोरी करने के पश्चात वो जो सामान है अनिल तिवारी करके हैं, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसके यहाँ पे चोरी का सामान रख दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।